यहाँ पे मैम जो गाड़ी की ओनर है वो गाड़ी लेके आई है। तो मैम कैसे हो आप, यहाँ पे पहुंचे कैसे? YouTube पे वीडियो देखी थी बहुत सारी। ओके, तो काम वगैरह कैसा हुआ आपका ये बताओ, डिटेल में बताओ। तो सैटिस्फैक्टरी वर्क हुआ प्रॉपरली? तो सैटिस्फैक्टरी हुआ वर्क प्रॉपरली है ना? उसका कोई दुख नहीं है, बट मेरी गाड़ी है, फिर जलन बन गई है। हाँ भाई, एलईडी की 2 साल की वारंटी है, रिप्लेसमेंट वारंटी है। ओके, ये आपकी डबल ईयर डैम्पिंग कर दी गई है, अंदर बाहर वाला सीन है उसका। और ये स्पीकर रिंग्स वगैरह होते हैं इसके थ्रू काम किया जा रहा है, सीट कवर्स वगैरह ऑलरेडी पहले से ही आई हुई थी। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्टर वगैरह की इंस्टॉलेशन चल रही है, ये देख लीजिए रिफ्लेक्टर्स लग गए हैं। मैक्स लिंक का AHD क्वालिटी वाला कैमरा है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। लाइट्स वगैरह खुली हुई हैं कुछ इस तरीके से। मोंटी मलिक दिस साइड, होपफुली आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। और ये है अपनी ऑल न्यू वैगनार, यहाँ पे बेसिकली SM कार कस्टम एक वैगनार की जा रही है। एक आप बलिनो देख सकते हो, सही बेस टू टॉप काम किया जा रहा है, इसकी सेपरेट वीडियो आपके पास आ चुकी होगी शायद। और ये अपनी स्विफ्ट आई, तो इस गाड़ी में भाई बेस से टॉप वाला सारा काम किया जा रहा है, यानी कि बेसिक जो एसेसरीज है ना वो सारी इंस्टॉल की जा रही है। ये देख लो विदाउट डैम्पिंग ऐसी कुछ लगती है, और यहाँ पे एक्सेस की डैम्पिंग की गई है डबल लेयर अंदर और बाहर, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है। सीट कवर्स कंपनी फिटेड आए, एंड्रॉयड वगैरह लगेगा इसके अंदर, और बाकी कंप्लीट म्यूजिक का एंड्रॉयड। एक्सटीरियर में LEDs वगैरह, हेडलाइट भाई 110 वोल्ट वाली LEDs लगने वाली वो भी आपको दिखाएंगे। DRS वगैरह फिट हो चुके हैं, RD की सेंटर लॉकिंग यहाँ पे हो रही है, और मतलब ऐसा कुछ काम हो रहा है, मतलब टॉप क्लास का टॉप क्वालिटी का काम किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? SM कार कस्टम्स पे। तो चलिए बस सौरभ भाई के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं इस गाड़ी में और क्या क्या काम किया जा रहा है, और कितना क्या टाइम लगता है, कितना क्या बजट वगैरह आता है। सो काम अपने साइड बाय साइड चल रहा है। सौरभ भाई एक बार ये बता दो कि इसमें वैगनार में क्या क्या एसेसरीज लगाई जा रही हैं? भाई VXI कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से म्यूजिक सिस्टम आपका एक्सेस ब्रांड का एंड्रॉइड है। ओके, ये देख लीजिए गाइस, वायरिंग के साथ है। ओके, ये इसके वायरिंग किट वगैरह होती है, माइक हुआ आपका। अच्छा, और 9 इंच फ्रेम के साथ, 9 इंच का जो फ्रेम होता है एंड्रॉइड का है। उसके बाद आपकी ये GT LED लग रही है। ओके, कितने वोल्ट की है ये? 110 वोल्ट है। 110 वोल्ट की, वेरी नाइस यार। और इसके बाद भाई म्यूजिक की बात की जाए, क्या लगा रहे हो? स्पीकर के अंदर हम इन्फिनिटी अल्फा सीरीज लगा रहे हैं, चारों। ओके, डबल एयर डैम्पिंग की गई है, डबल एयर डैम्पिंग हो रही है एक्सेस ब्रांड की। ओके, तो और कोई वीडियो में चीज आपको दिखाएंगे डिटेल वीडियो के अंदर। सही बात है, मतलब पार्ट्स नहीं दिखाते, जो चीज लग रही है वो नहीं दिखाते हैं वैसे, मतलब हम बॉक्स खोल के भी दिखा रहे हैं और आपको गाड़ी के अंदर जाकर दिखा रहे हैं। तो ठीक है भाई, वो ये दिखा दिया आप, अब इंस्टॉलेशन होगी ना इन चीज़ों की तब मैं आपको बताऊंगा। बाकी LED कुछ ऐसे रहने वाली है, 2 साल की वारंटी होती है इसकी, ये देख लो आप। LED की 2 साल की वारंटी है, रिप्लेसमेंट वारंटी है। अच्छा, तो रिपेयरिंग नहीं है। ओके, खराब होती है तो नया पीस मिलता है इसका। ओके, वेरी गुड यार। अभी आपको काम की स्पीड दिखाऊँ ना, तो रिफ्लेक्टर वगैरह की इंस्टॉलेशन चल रही है, ये देख लीजिए रिफ्लेक्टर्स लग गए हैं कुछ इस तरीके से। उसके अलावा इसमें ना जो कैमरे की बात की जाए, तो कैमरा ये वाला लगेगा इसमें, मैक्स लिंक का AHD क्वालिटी वाला कैमरा है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। लाइट्स वगैरह खुली हुई हैं कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ सेटअप है भाई। वो चारों डोर्स पे डैम्पिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये है ना आपके इन्फिनिटी अल्फा सीरीज के कोएक्सियल स्पीकर्स हैं, वो इंस्टॉल किए गए चारों डोर्स पे। और अभी इसकी स्टेयरिंग की स्ट्रेचिंग की जाएगी, ये वाला स्टेयरिंग जो मैडम ने कंपनी से परचेज किया था उसको मतलब हटा के ये वाला लगाया जाएगा, जो कि कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका बेज और ब्लैक कलर का। इसका एंड्रॉइड वगैरह लगे आपको दिखा दूँगा। अभी काम के स्पीड कुछ ऐसी है, फिर फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग की जाएगी इसके अंदर। ये मैक्सलिंग की LED है, ये वाली है कुछ इस तरीके की, कैनवस वगैरह होता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। एक बार इसका इंस्टॉलेशन हो जाए आपको थ्रो दिखाऊंगा मैं। बाकी वैगनार में ना ये H4 बल्ब लगता है, तो इसका ना ये वाला होता है ऐसा कुछ। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ईजिली है, बहुत ही ईजी वे में कनेक्ट हो जाएगी, कपलर टू कपलर होते हैं, कोई वायर कटिंग वगैरह नहीं होती। सो गाइस, गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सौरभ SM कार कस्टम वाले नंबर वगैरह देख लो उनका। अच्छा भाई बताओ, डिटेल बताओ इस गाड़ी में क्या क्या काम किया गया है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसकी हेडलाइट की जो LED है वो रिप्लेस करी है। ओके, हैलोजन बल्ब आता है। अच्छा, 110 वोल्ट की LED लगाई है। ओके, उसके बाद आपकी DRL हो गई। ओके, और आपकी ब्लैक ब्यूटी हो गई, वेरी नाइस यार। और नीचे फोग लैंप की LED इंस्टॉल करी है, इसमें भी LED लगा दी है, इसमें हैलोजन बल्ब आता है, इसको चेंज कर दिया है। ओके, और फ्रंट की आपकी ग्रिल हो गई है क्रोम में, ये देख लो गाइस, फ्रंट ग्रिल क्रोम हो गई। ये आपका बम्पर प्रोटेक्टर हो गया,
ये प्रॉपर जो MGP लगाती है वही वाले प्रॉपर प्रोटेक्टर है, नॉर्मल नहीं है। ओके भाई अब चल, अब आ गया भाई हम साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल का क्या काम किया भाई बता दो। इसकी व्हीलर लगाई हमने फुल S28 फ्रेम और ये ब्रांडेड है। ओके लोकल नहीं है, GFS ब्रांड की है। आपके व्हील कैप लगाए हैं इसको ब्लैक करके टाई बेल्ट के साथ, देख लीजिए गाइस प्रॉपर जेन्युइन काम किया गया सारे का सारा। फिर आपका डोर वाइजर हो गए ब्लैक में, ये क्रोम में भी आते हैं। अच्छा क्रोम में चाहिए, क्रोम में भी अपने पास अवेलेबल है। ओके आपकी लोअर गार्निश हो गई यहाँ से लेके बिल्कुल कॉर्नर तक। ओके वेरी नाइस यार। उसके बाद आपके हैंडल क्रोम हो गए, ठीक है। साइड बीडिंग हो गई प्रॉपर गैलियो की। ओके और आपकी डबल लेयर डैम्पिंग स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया है, बिल्कुल एक्सेस ब्रांड की डबल लेयर डैम्पिंग की गई है भाइयों। जो काम दिखाया है जो वही लगाया गया है। आपका ये स्पॉइलर हो गया, ये स्पॉइलर देख लीजिएगा गाइस प्रॉपर एज टू एज। और ये आपकी टेल लाइट का क्रोम हो गया। ओके जिसे ब्लैक ब्यूटी कहते हैं फ्रंट और रियर। ये आपके भाई रिफ्लेक्टर्स हो गए, रनिंग स्कैनिंग रिफ्लेक्टर है मैट्रिक्स वाले। ओके और अपनी एवरग्रीन CNG ट्रे ये देख लीजिए गाइस, सामान कूट कूट के भरो, यहाँ भरो वहाँ भरो, कोने में देखो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आप कहीं भी सामान, पूरा सामान है, सामान है ना, ठीक है। तो बाहर से तो यही काम किया हमने है ना, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर में काफी बेसिक काम किया गया और नीट एंड क्लीन काम किया गया। ये कैमरा है देख लो, कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है। अब गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। तो भाई इंटीरियर में सीट कवर तुमने लगाया है? भाई सीट कवर कंपनी से लगे हैं। ओके नॉन बकेट है। अच्छा मतलब आपको अगर बकेट इसको कराना है, हाँ हाँ, तो कंपनी आपको सीट कवर लाके दे रही है, अगर उनको बकेट कराना है हाँ, तो हम बकेट भी कर देंगे। ओके और हमारे पास सीट कवर तो वैरायटी आप वीडियो में देख ही चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। और साइड में गाड़ी बलेनो का काम चल रहा है, टॉप क्वालिटी के सीट कवर लग रहे हैं, पूरा इंटीरियर हो रहा है। उसकी सेपरेट वीडियो मिलने वाली है भाइयों को बहुत ही जल्द। मतलब प्यार इतना है, विश्वास इतना है कि गाड़ी पे गाड़ी आ रही है, बलेनो और वैगनर पे खास प्यार है ना भाई। एक्चुअली क्या है ना कि जहाँ अच्छा काम आपको मिल रहा है ना, हाँ, और जहाँ विश्वास होता है कस्टमर को, दूर दूर से आता है। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बात के GFX के मैट लगाए हैं प्रॉपर, ये देख लीजिए गाइस। और इसके नीचे फ्लोरिंग भी की है जो वीडियो में हम आपको दिखा देंगे, ये देख लीजिए गाइस। और इसके अलावा ये एंड्रॉइड लगाया गया है इसके अंदर, जो कि भाई आपका एक्सेस ब्रांड का रहने वाला है, कुछ इस तरीके का एंड्रॉइड है। और ये स्टीयरिंग की स्टिचिंग की गई है, जो ब्लैक वाला था ना पहले उसको चेंज करके किया गया, मतलब प्रॉपर सीट कवर के थीम के साथ ही मैच किया गया, इंटीरियर से मैच किया गया बेसिकली। सेंटर लॉकिंग आपकी RD की। ओके दो रिमोट मिलते हैं आपको इसमें। अच्छा एक बार लाइट्स का थ्रू दिखाओ ना भाई आपको, ये देखो आप भाई हमारे बलेनो के कस्टमर है सामने, ध्यान से देख लो इनको भी। इनको आप वीडियो में देखोगे हमारी अगली वीडियो में, या पहले आ चुकी होगी इस वीडियो में, देख चुके होगे आप। और यहाँ पे ये देख लीजिए USB पेन ड्राइव के ना यहाँ पे कनेक्शन वगैरह किए गए हैं। इसके अलावा ये एंड्रॉइड होगा भाई अपना, चार्जर वगैरह मतलब जो बेसिक ऐसे सारी अवेलेबल है अपने पास, चार्जर वगैरह हुआ, मोबाइल होल्डर हुआ, परफ्यूम हुआ। ओके परफ्यूम की काफी सारी वेरायटी है हमारे पास। ओके ये आपका एंड्रॉइड हो गया भाई, देख लो कुछ इस तरीके का एंड्रॉइड है, इसमें आप यहाँ से ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके अपने गाने वगैरह सुन सकते हो, जैसे कि अभी कनेक्ट हो गया, अब आपको ना NC का गाना सुना के आवाज़ भी सुनाएंगे। एंसर गाना सुना आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। बाकी अगर आपको प्रॉपर पंजाबी सॉन्ग सुनने हैं तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहाँ पे आपको पंजाबी गाने सुना देंगे, हिंदी गाने सुना देंगे, हरियाणवी गाने सुना देंगे। आप भाई एक बार ओनरशिप रिव्यू देते हैं और कितना क्या बजट आया, सारा प्रीमियम काम किया गया भाई, सारा डिस्क्लोज कर देते हैं। ओके कस्टमर भी जानते हैं कि उनको काम कैसा लगा। ठीक है भाई ये देख लो LED से एक बार और देख लो भाइयों। तो भाई गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो गया, आपको दिखा भी दिया डिटेल में मैंने और सौरभ भाई ने। यहाँ पे मैम जो गाड़ी की ओनर है वो गाड़ी लेके आई है। तो मैम कैसे हो आप, यहाँ पे पहुँचे कैसे? YouTube पे वीडियोस देखी थी बहुत सारी। ओके तो काम वगैरह कैसा हुआ आपका ये बताओ, डिटेल में बताओ। नो वर्ड्स तो सैटिस्फैक्ट्री वर्क हुआ प्रॉपरली? यस
Awesome. आप कराने कुछ आए थे, करवाए कुछ और जा रहे हैं? हाँ, मैं जब थोड़ा सा बेसिक करवाने आई थी कि मैं अराउंड था कि मैंने थोड़ा बहुत बाहर बाहर से करा लूंगी, करते करते थोड़ा सा ऊपर हो गया, बजट थोड़ा एक्सपेंड हो गया ना। बजट का तो चलो कोई नहीं, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन जो होती है ना वो बहुत जरूरी। तो सेटिस्फेक्टरी हुआ वर्क प्रॉपरली है ना, जेन्युइन काम। तो 1:30 बजे से आई हुई थी, 11 बजने वाले, मैं उसका कोई दुख नहीं है, बट मेरी गाड़ी अभी दुल्हन बन गई है, वर्क सेटिस्फेक्टरी हो गया है। तो सौरभ भाई कितना बजट आया ओवरऑल, जो कि प्रॉपर जेन्युइन वर्क किया गया, जैसे 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी आप एलईडी के दे रहे हो है ना, उसका एंड्रॉइड की दे रहे हो साल भर की, तो इसमें कितना क्या बजट आ गया बताओ भाई? 50,000 लगभग लग चुके हैं इसमें। ओके, और जेन्युइन प्राइस है, बिल्कुल मैडम से ही पूछ सकते हैं आप, कोई भी और प्राइस नहीं बताया कि भाई अंदर कुछ और था बाहर कुछ और। ओके, या ऐसा कुछ बताया कि भाई कम प्राइस बताया हो वीडियो के अंदर है ना, जो यही बनाता डिस्काउंट वगैरह करके सारे आइटम। ओके, बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिला है मुझे तो। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आप ऐसे आते रहे हमारी वीडियो देख के। नेक्स्ट टाइम होगा कुछ ना कुछ अपडेट होगा। बिल्कुल सही बात है, मैं तो दोबारा आऊंगी, अभी ऑटो फोल्ड मिरर करवाने हैं मुझे, स्टीयरिंग और ऑटो फोल्ड और जो छोटा मोटा आइटम बेसिक एक्सेसरीज जो रहती है, मतलब MGP जो है वो रहती है, अभी टाइम नहीं था ना अभी, इसलिए इतना ही जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बाय। सो भाइयों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और किसी भाई को अपनी गाड़ी मॉडिफाई करानी है, वैगनार हो या कोई सी भी गाड़ी हो या बलिनो, तो आप आ सकते हो SM कार कस्टम्स पे। तो अभी के लिए इतना, बाय, जय हिंद जय भारत।